चाहिए फेशियल जैसा ग्लो। नहीं। ये मैं हूँ, मेरा कार्डबोर्ड का घर है। टिकट है अंदर आने का। कमसामिदा, कहीं मेरा कोई दुश्मन तो नहीं? सुबह सुबह तो मेरे साथ ये कांड हो गया। अर्ज क्या है? चॉकलेट की चटनी को कहते हैं न्यूटेला, चॉकलेट की चटनी को कहते हैं न्यूटेला। जिनके पास कोई काम धंधा नहीं होता उन्हें कहते हैं वेला। और आज के वीडियो में मैं रहने वाली हूँ कार्डबोर्ड हाउस में, वो भी अकेला अकेला। आई मीन अकेली अकेली, लाली जो भी लगाना है आप लगा लो। ओके, तो स्टार्ट करते हैं यार वीडियो। तो करना। तो गाइस, कार्डबोर्ड हाउस में रहने के लिए हमें सबसे पहले चाहिए कार्डबोर्ड। मुझे तो पता ही नहीं था। तो कार्डबोर्ड लाया जाए। मैं तुम्हारे बाप का नौकर नहीं हूँ। तो गाइस, हमारा कार्डबोर्ड आ चुका है और अब मैं बनाने वाली हूँ कार्डबोर्ड से कार्डबोर्ड फोर्ट। अब वो कैसा बनेगा मुझे तो नहीं पता। अभी मैं अपने घर के लिए खिड़की बना रही हूँ क्योंकि मेरे सामने वाले खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता। तो गाइस, मैंने खिड़की बना लिया है। एक मिनट में आपसे मिलती हूँ। 1, 2, 3। तो गाइस, अभी मेरे पास है यहाँ पे कुछ कलरफुल टेप्स और इस छत को मैं इसे डेकोरेट करने वाली हूँ क्योंकि यार मुझे इसमें 24 घंटे स्पेंड करने वाले हैं। और हम लड़कियाँ जहाँ पे भी रहते हैं उसे पूरा कलरफुल एंड डेकोरेट करके ही रहना पसंद करते हैं क्योंकि ऐसे तो ये बिल्कुल सूखा सूखा फीका फीका लग रहा है। एंड मैं इतनी कलरफुल लाइफ जीती हूँ और मुझे ऐसे फीके जगह पे रहना बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, तो चलो इसमें थोड़ा रंग डालते हैं। मुझे तो लग रहा है 24 घंटे इसी में बीत जाएंगे टेप की स्टार्टिंग पॉइंट ढूंढने में। किसके किसके साथ ऐसा होता है कि उसे ओ मिल गया मुझे ये रहा। हाँ, तो किसके किसके साथ ऐसा होता है कि उसे टेप का स्टार्टिंग पॉइंट ही नहीं मिलता। अब क्योंकि मेरे पास कैची नहीं है और मेरा मुंह किसी कैची से कम नहीं है। कार्डबोर्ड हाउस बिल्कुल रेडी है। मैं आपको दिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे दिखेगी और ये मेरा विंडो कितना प्यारा लग रहा है। नहीं तो हमने इसे फेरी लाइट्स एंड लीफ से डेकोरेट किया है। एंड नीचे हमारे घर के बाहर ये फ्लावर पॉट्स लगे हुए हैं। मेरा घर देखने के लिए सबसे पहले मुझे अपने घर का गृह प्रवेश करना पड़ेगा। एंड गृह प्रवेश के लिए हमें चाहिए होते हैं चीफ गेस्ट, जो कि आप सब हो। जी हाँ, तो ये मैं हूँ, ये मेरी कैची है और यहाँ पारी हो रही है। ओ माय गॉड, मेरा रिबन गिर गया। काटी नहीं हूँ। इसमें एक्चुअली मैंने ना गम चिपका दिया था तो अभी मेरे साथ ऐसी गम गरी चीजें हो रही हैं। करवा ली बेइज्जती। सबसे पहले आप मेरे इस कार्डबोर्ड हाउस के अंदर आओगे तो आपको दिखेगा ये खाना खजाना, जो मुझे बहुत ज्यादा जब भूख लगी रहेगी तो मैं इसके ऊपर टूट पड़ूंगी। उसके बाद आपको यहाँ पे दिखेगा डीजे वाले बाबू, मेरे गाना बजा रहे। डीजे वाले बाबू नहीं है, सिर्फ डीजे है बड़ा सा जो मेरे मूड को रिफ्रेश करेगा। वो अलग बात है कि गाना यहाँ बजेगा और पूरे मेरे घर में गूंज जाएगा, जिसके बाद मुझे मम्मी आएंगे और मुझे पीटेगी और मेरे घर तोड़ के भागेगी। आज मेरा घर छोटा है लेकिन दिल बड़ा है, जैसे कि आपका दिल बड़ा है और आप इस वीडियो को इस टाइम पे लाइक कर रहे हो। कर रहे हो ना? कर रहे हो ना? अरे हाँ भाई हाँ। यहाँ पे मेरे पास है अवन क्योंकि मेरे पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे मुझे गर्म करके खाने की जरूरत पड़ जाएगी। उसके बाद ये रहा मेरा बेड जिसे मैंने थोड़ा सा डेकोरेट किया है हमेशा की तरह। यहाँ पे मेरे पास कुछ जरूरत की चीजें हैं जैसे कि नेल पेंट, उतनी भी जरूरत की चीज नहीं है बट ठीक है मैंने ले लिया। एक मेकअप पाउच है, मिरर ताकि मैं अपना शक्ल देखूं क्योंकि पता चला मैं ऐसी सोई रहूंगी और सो के आपके सामने आ जाऊंगी तो आप देख के भाग जाओगे, तो इसलिए मैंने मिरर रख लिया कि अगर मैं सो के उठती हूँ तो ऐसी चुड़ैल ना लगूं और आपके सामने थोड़ी ठीक बन के आऊं। मेरे घर में एक बहुत कीमती चीज भी है, वो है ये टीवी। लेकिन एक गड़बड़ी है, ये जो आधी टीवी है ना वो तो मेरे इस कार्डबोर्ड घर वाले के हिस्से में है लेकिन जो ऊपर वाली टीवी है वो हिस्सा मेरे मम्मी पापा के घर की है, तो मैं आधी टीवी देख सकती हूँ। ऐसे मुझे ऐसे देखना पड़ेगा। तो मैंने लिखा है टी अपनी दीदी के लिए क्योंकि वो हमसे थोड़ी सी दूर है। तो मैं थोड़ा समझ कर रही थी तो उसके लिए मैंने ये लिखा। वैसे एक्चुअली ना मैं उसे वीडियो कॉल करके दिखा सकती हूँ कि वैसे उसे पता नहीं है कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ या फिर ऐसा कुछ, तो चलो उसका रिएक्शन देखते हैं। ये मेरा फोन है, ये मैं हूँ और मैं यहाँ पे अपनी बेइज्जती करा रही हूँ, बेइज्जती करा रही हूँ क्योंकि वो मेरा फोन नहीं उठा रही है। 1, 2, 3, चलो बताओ ये क्या है? अंदर आप ऐसे आएंगे। क्या करता है रे तेरी? तो मैंने तुम्हारे लिए बहुत एक स्पेशल चीज की है। ₹50 काटो ओवर एक्टिंग के। गाइस हमारे पास टाइम नहीं है ऐसे लोगों से बात करने के लिए, तो बाय ये जो भी सारे बाय 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 खत्म, गुड बाय, सी यू, अलविदा। अब ये मेरा चैलेंज स्टार्ट होता है गाइस। अब मैं इस
चार दीवारी के बाहर नहीं जा सकते। चार दीवारी नहीं, एक्चुअली ना ये तीन दीवारी है और एक दीवारी इज फिक्स्ड, आई मीन तीन कार्डबोर्ड दीवारी। अरे कहना क्या चाहते हो? मेरे घर पे इस टाइम पे कौन है? चलो खोलते हैं। एक मिनट, कहीं ये कोई चोर तो नहीं? कहीं मेरा कोई दुश्मन तो नहीं? तो सबसे पहले हम इस खुफिया दरवाजे से देखेंगे कि कौन है। अरे ये तो मेरी प्यारी सी मम्मी है। आ जाओ मम्मी, आ जाओ, आइए बैठिए बैठिए, आइए अपने ही घर से बैठिए। क्यों ऐसा है कि तुम चैलेंज? मम्मी बोल रही है बैठेंगे नहीं और ऑलरेडी बैठ भी गए। वाह मम्मी वाह, अपने ही घर समझिए मम्मी बैठ। नहीं नहीं ऐसा तुम चैलेंज कर रही, तुम ही करो। हम लोग कंपटीशन करने जा रहे हैं कौन सबसे ज्यादा देर तक बोल सकता है वाओ। चलो 1 2 3 अभी हम लोग एक रील बना रहे हैं। मैं बाहर नहीं जा सकती हूँ तो मैंने इन दोनों को ही अंदर बुला लिया है। हाँ जी बोलिए कोच। बोलिए बोलिए बोलिए, शर्माइए मत, अरे अपने ही लोग। इसका नाम बड़े है क्योंकि ये बड़ा है। तो मुझे खिड़की में से कौन झांक रहा है? कौन है? अरे कौन है भाई, मत देखो मुझे प्लीज। ओ अच्छा ये तो आप सब हो गाइस, आप सब मुझे देख सकते हो जितना मन उतना। तुम मेरे घर के बाहर क्यों सोई हो? घर के अंदर भी तो आ सकती हो। आजा बेटा आजा। नहीं घर कैसा लग रहा है? नाइस। आ रही है? हाँ नहीं नहीं नहीं, टिकट है अंदर आने का, ओनली 500 रुपीज। पैसा ही पैसा हो गया भाई। वैसे ये वाला चैलेंज ना मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। पूछो क्यों क्यों क्यों, पूछो पूछो क्यों? क्योंकि आप उल्लू के पट्टे। क्योंकि जब मैंने गार्डन वाले चैलेंज किया था ना तो मुझे बाहर जाना पड़ रहा था और मैं किसी को भी नहीं देख पा रही थी, और ये वाला घर तो मेरे घर के अंदर ही है, तो मेरे घर के लोग इधर से उधर जा रहे हैं और मैं इधर से उधर देख रही हूँ। आज मंगलवार है, चूहा जी बीमार है, चूहा गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने लगाई सुई, चूहा बोला क्विंग। तो अभी मुझे लगी है भूख, तो क्या नाचोगे? प्लास्टिक को पहले हम लोग निकालेंगे। मेरे घर में सिर्फ अवन है लेकिन इस अवन का स्विच बाहर है, मेरे घर से बहुत दूर है, तो मैं किसी को बोलती हूँ उसे ऑन करने के लिए। A few minutes later. क्या हुआ? कुछ नहीं। जल गई। और बोलिए कुकिंग करना सीखो। अब नहीं सीखोगे तो कब सीखोगे? आपको इस बात का दुख नहीं है कि मेरा हाथ जल गया? नहीं। मेरे पैर में झुनझुनी लग गई। मम्मा भूख लगी है। कमसा मीदा। थैंक्स बोलो। मम्मी को मेरे कोरियन से बहुत प्रॉब्लम है, मैं दिन भर कोरियन में बोलती हूँ कमसा मीदा कमसा मीदा, बोलती है थैंक यू नहीं बोला जाता तुमसे। कमसा मीदा क्या होता है? मुझे बिना चश्मे के ऐसा दिखता है और कुछ लोगों को ऐसा लगता है कि मुझे बिना चश्मे के ऐसा दिखता है, मतलब भाई अंधी नहीं हो, लोग ऐसे पूछने लगते हैं लिटरली कितनी उंगली है, ये 2 उंगली है, ये 4 उंगली है, मतलब मैं बोर हो रही हूँ इसलिए मैं आपको ये सब बता रही हूँ। चाहिए फेशियल जैसा ग्लो? नहीं। अच्छा आजकल जो ये पारी हो रही है, ट्रेंड चल रही है, तो इसमें मेरा भी कुछ सुनाने का हक बनता है कि नहीं? नहीं। तो अगर ये चीज सुनियो बोलता तो वो ये बोलता, ये मैं हूँ, ये मेरी कार है और मेरी कार में सिर्फ 3 लोग बैठ सकते हैं, सॉरी नो बेटा। रात में इसका व्यू कितना अच्छा लग रहा है। नहीं नहीं। ये मैं हूँ, मेरा कार्डबोर्ड का घर है, पार्टी हो रही है। कैसे कहे क्या है सितम, सोचता है अब ये हम। अभी मैं यहाँ पे खाना खाते खाते रोटी से हार्ट बना रही थी और फिर मैंने उसे खा भी लिया, उसके बाद मैं सोने चली गई।
गुड मॉर्निंग गाइज, एक्चुअली बैड मॉर्निंग. क्यों? क्योंकि मेरा घर टूट चुका है. मेरे घर के इस टाइम पे ये हालत है. आई एम श्योर रात में जब मैं खर्राटे मार मार के सो रही होंगी तभी मैंने अपने घर को अपने इन पैरों से लात मार मार के गिराया होगा, क्योंकि और कैसे ही गिरेगा यार. मैंने बहुत मजबूती से अंबुजा सीमेंट यूज किया था फिर भी गिर गया. आई मीन तो इसी के साथ मेरा चैलेंज भी खत्म होता है. मैंने सोचा था कि मैं सुबह सुबह उठूंगी बहुत ही अच्छे मूड से, बट सुबह सुबह तो मेरे साथ ये कांड हो गया. कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और मेरी मेहनत ख़राब चली गई यहाँ पे. इसके लिए एक लाइक कर देना. ओके बाय.